हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी स्ट्रेसफुल किचन। आज हम बना रहे हैं सेवई, नमकीन सेवई, और ये हाथ की टूटी हुई सेवई है। आप देख सकते हैं ये मैंने 1.5 कप ली है। ऐसे जो कप मेजरिंग वाला आता है उसको मैंने 1.5 कप ले लिया है। 1 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया है, इसमें गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब हमने सेवई इसमें डाल दी है, इसको भूनेंगे हम थोड़ा सा। धीमी आँच पर ही इसको थोड़ा सा चलाते हुए भूनेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है ना, क्योंकि ये हाथ की टूटी हुई है, बिल्कुल कच्चे उसकी है मैदा की। कभी कभी रोस्टेड भी आपके पास आती हैं, या आप ड्राई रोस्ट करके रख लेते हैं, बट ये हमने रोस्ट नहीं की, तो इसलिए हम इनको ऑयल में थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। और ऐसे इसको भूनेंगे अच्छे से, आप देख रहे हैं ना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अब हम इसमें डाल दिए हैं पानी, इसको हम बॉईल करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा पानी, क्योंकि बाद में हमें स्ट्रेन। और ये देखिए इस तरह से ये पक गई हैं बिल्कुल अच्छे से। हम अब इनको स्ट्रेन कर लेंगे। और ये देखिए स्ट्रेन करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया ऊपर से। और ये देखिए एक एक सेवई कैसे खिली हुई है, देख रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से हम इसको रख देंगे अब साइड में, तब तक छौंक की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमने सब्जियाँ ली हैं इसके लिए काफ़ी सारी। ये हमने बीन्स ले ली हैं, 10-12 बीन्स हैं जिनको बारीक काट लिया है। और हरी मिर्ची भी हमने देखिए सीड्स निकाल के कैसे काट दिया है, ये देखिए बिल्कुल बारीक काट दिए ताकि इसका फ्लेवर आए। 8 से 10 कड़ी पत्ता है, 10 से 12 ले सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार है। 2 प्याज को बारीक काट लिया है। राई ली है 1 चम्मच। और ये लेंगे हम गाजर, 2 गाजर को हमने बारीक चॉप कर लिया है। 1/2 बाउल मटर है। तो ये सारी सब्जियाँ हैं। और इसके बाद हमने ये हरा धनिया गार्निशिंग के लिए काट लिया है, 1 मुट्ठी हरा धनिया है। और इसमें कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जो पहले से हमने गर्म होना रख दिया है। और इसमें डाल रहे हैं हम राई, 1 चम्मच राई है, इसको तड़कने देंगे। तेल कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए राई तड़कने लग गई है। जब राई तड़के तभी हमें डालना है हरी मिर्ची। और आप तीखा पसंद करते हैं तो आप सीड्स के साथ डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता डाल देंगे, प्याज भी साथ साथ डाल देंगे। कड़ी पत्ते और राई का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और इसको लगातार चलाते हुए ऐसे भून लेंगे हम। ये प्याज भून गई है, हमने इसमें बीन्स डाल दी हैं, मैंने शिमला मिर्च भी इसमें ले ली है। अब हम गाजर डाल रहे हैं और हमने मटर डाल दी है। फ्रोजन मटर ली हैं, फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। शिमला मिर्च देखिए मैं डाल रही हूँ, 1/2 शिमला मिर्च भी काट कर डाल दी है। इनको सबको करेंगे मिक्स। नमक डाल देंगे इसमें हम, और ना ज्यादा हमें इन्हें कच्चा रखना है और ना ही ज्यादा इसको पकाना है। मिक्स करेंगे, देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है। सब्जियां हमारी करीब करीब हो गई हैं बिल्कुल अच्छे से। हमने थोड़ा सा मोटा काटा है तो 2 से 3 मिनट इसमें लग गई हैं। सब्जियां आप कम ज़्यादा अपने मर्जी से कर सकते हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें सेवई, और ये देखिए सेवई बिल्कुल खिली खिली हैं, ऐसी होनी चाहिए। और गली हुई भी हैं पूरी, अगर आप ऐसे मैश करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से गली हुई हैं। तो अब हम इसको डाल देंगे सेवई को सारी को। 1.5 कप हमने ली है
आपको जितनी चाहिए उतनी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और ये देखिए मिक्स होकर कितनी अच्छी ये लग रही हैं, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये सेवई खिली खिली बनी हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा चंकी चाट मसाला, नमक आप उसी हिसाब से डालिएगा, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे चाट मसाले को अच्छे से। अब डालेंगे हम इसमें धनिया कटा हुआ, आप देखिए कितनी कलरफुल लग रही हैं, देखिए मैं पास से आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया ये सिवई लग रही हैं। और अब आप देख सकते हैं कितनी यम्मी ये सिवई बनी हैं और आप यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती हैं। और कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चाट मसाला, एक नमक हमने डाला है इसमें और तीखेपन के लिए हरी मिर्च यूज़ की है। तो आप चाहें तो रेड चिली डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट में लीजिए, स्नैक्स में लीजिए, बहुत ही टेस्टी डिश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़। अब देखिए हम इसकी कर रहे हैं प्लेटिंग, कितनी बढ़िया ये खिली खिली बनी है आपके सामने है। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।